विद्या की देवी सरस्वती, माता पिता गुरु, नवग्रह की चरण वंदना तथा आप सभी सुधी दर्शक को मेरा हार्दिक अभिवादन तथा नमन। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ बच्चों के हकलाने यानी स्टैमर करने पर। कई बार बड़े लोग भी करने लग जाते हैं, कई बार बच्चे हकलाते हैं, कई बार बड़े लोग, बड़ी उम्र के लोग भी जब क्रोध में आ जाते हैं तो हकलाने लग जाते हैं, वैसे सही सही बोलते रहते हैं। तो इन सब का क्या कारण है, बहुत लोगों ने पूछा, तो मैं आज आपसे इसी टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैंने जैसे आपको कई बार बताया कि किसी भी भाव का, किसी भी बीमारी का, किसी भी चीज का अगर जानना हो तो सबसे पहले लग्न को देखें तथा लग्नेश को देखें। अगर लग्न अर्थात शरीर बलवान हुआ और लग्नेश अर्थात शरीर का मालिक बलवान हुआ तो बहुत सारी बीमारियों को तो वह ऐसे ही खत्म कर लेता है वो शरीर, लेकिन अगर शरीर थोड़ा कमजोर हुआ तो फिर बीमारियां जल्दी घर कर जाती हैं। ये तो बात आप आए दिन सुनते ही रहते हैं। तो सबसे पहले शरीर को देखिए, लग्न को देखिए, उसके बाद में हकलाने के लिए, स्टैमर करने के लिए दूसरे भाव को देखिए। दूसरे भाव में अगर ग्रह अच्छे नहीं बैठे हुए हैं, बुरे ग्रह बैठे हुए हैं, शनि राहु केतु से युक्त हैं, लग्न शनि राहु केतु से युक्त है, फिर तीसरे भाव को देखिए। तीसरा भाव क्या, जो कि पराक्रम का भाव होता है, उसमें भी जो बैठे हुए ग्रह होते हैं उनको भी देखना चाहिए। और फिर अंत में देखिए पंचम भाव। पंचम भाव क्या है कि हमारे मस्तिष्क का भाव होता है। मैंने आपको कई बार पहले बताया कि जो रेज आती हैं वो सबसे पहले हमारा पंचम भाव ही, लग्न और पंचम भाव पे ही धरती की तरह से उसका असर होता है। तो अगर पंचम भाव दूषित हो गया, पंचम भाव में राहु केतु शनि या विपरीत ग्रह जो कि मैत्री के नहीं है वो बैठ गए, या पंचमेश शनि राहु केतु युक्त हो गया, या पंचमेश दुस्थान अर्थात छठे या बारहवें बैठ गया, उस समय पर भी हक लाने की बात होती है। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो बोलने का कारक होता है वो है मंगल। मंगल एनर्जी का कारक होता है। हक लाने का विचार करने के लिए सबसे आवश्यक है मंगल को देखना, मंगल की स्थिति को देखना। मंगल बोलने का कारक होता है, एनर्जी का कारक होता है। अगर मंगल शुभ नहीं हुआ या अच्छे ग्रह के साथ में नहीं बैठा है या परम नीच का है, उस समय पर भी हक लाने की बात होती है। इसके साथ बुध का विचार करें, क्यों, मंगल शक्ति का प्रतीक होता है बोलने का, और बुध क्या बोले इसका प्रतीक होता है। तो अगर इसमें सामंजस्य नहीं हुआ तो आदमी को हकलाहट की बीमारी हो जाती है। इसके साथ ही चंद्रमा, इसको भी हमेशा देखना चाहिए। चंद्रमा अगर नीच का हुआ या शनि राहु केतु के साथ में हुआ तो कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, और कॉन्फिडेंस की कमी के कारण भी व्यक्ति विशेष में हकलाहट हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा आपका बच्चा लिखने में बहुत तेज है लेकिन वाइवा में या पूछे गए प्रश्न के उत्तर में या क्लास में खड़े होकर के जब पूछा जाता है उस समय बोलने में वो अटकने लग जाता है अर्थात हकलाने लग जाता है। तो निश्चित रूप से जानिए उसका शरीर का मालिक अर्थात लग्न का मालिक मंगल और चंद्रमा, ये तीनों ही अफ्लिक्टेड हैं, इसलिए इनका विचार बहुत ही शुभता से करना चाहिए। और अगर कोई इस प्रकार की बात होती है तो पॉजिटिविटी लाने के लिए इसके उपाय होते हैं। और पे मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर ये समस्या है तो उसमें सुधार भी किया जा सकता है और बच्चे के अंदर में कॉन्फिडेंस भी लाया जा सकता है। इसके भी उपाय हैं और मैंने इस पर काम भी किया है जिसके कि बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। तो आप
देखें इस कार्यक्रम को। इसके विषय में अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप हमसे बात कर सकते हैं। और आप कार्यक्रम को पसंद करके बहुत सारी जानकारी ले रहे हैं, मैं भी आपको बता रही हूँ। अभी तक अगर आपने कार्यक्रम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और वैज्ञानिक शुद्ध रूप से जो जानकारी होती है वो मैं आपको देती रहूंगी। अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहें, तब तक के लिए नमस्कार।